आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का चैनल एस्ट्रोलॉजर में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 दिसंबर दिन मंगलवार को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिसके कारण 12 राशियों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही मल मास भी शुरू हो जाएगा। अतः इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धनु संक्रांति के बारे में, और साथ ही हम मल मास में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और 12 राशियों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन ये गोचर करने वाला है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो उस काल को धनु संक्रांति काल कहा जाता है। ये काल बहुत ही महत्व रखता है भारतीय ज्योतिष के अनुसार। ऐसी मान्यता है कि जब भी सूर्य गुरु के किसी राशि में प्रवेश करेगा तो मल मास या खर मास शुरू हो जाता है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो उस मास को धनुर्मास भी कहा जाता है, मल मास भी कहा जाता है, खर मास भी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कि धनुर्मास या मल मास में कौन कौन से काम वर्जित होते हैं। इस समय विवाह वर्जित होता है, धनुर्मास में यज्ञोपवीत वर्जित है, मुंडन कार्य भी नहीं किया जाता, गृहारंभ भी नहीं किया जाता है, साथ ही गृह प्रवेश भी वर्जित होता है। देवी देवता के प्राण प्रतिष्ठा के कार्य भी इस समय पे वर्जित रहते हैं। आइए राशिफल शुरू करने से पहले ये भी जान लेते हैं कि धनुर्मास में हमें क्या क्या करना चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए। धनुर्मास में बहुत शुभ कार्य वर्जित होते हैं, परंतु फिर भी ये महीना बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि इस समय हम जीवन को निष्कंटक बनाने के लिए बहुत से कार्य कर सकते हैं। जैसे सूर्य देव की आराधना के लिए यह समय उत्तम होता है। अगर कोई अपना मानसिक और शारीरिक बल बढ़ाना चाहता है तो धनुर्मास में साधना करना चाहिए। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए सूर्य को नियमित अर्घ देना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान के इच्छुक लोगों को इस महीने में साधना अवश्य करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख की अभिलाषा रखने वालों को भी इस महीने में पूजा अनुष्ठान करना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान, धनदान, विद्यादान आदि करते रहना चाहिए और पुण्य अर्जित करना चाहिए। तो धनु संक्रांति का वैदिक ज्योतिष के अनुसार बहुत अधिक महत्व होता है, जिसका सदुपयोग हम सभी को करना चाहिए। अब आइए शुरू करते हैं राशिफल। सूर्य ग्रहों में राजा होते हैं, कुंडली में इनकी स्थिति बहुत महत्व रखती है। एक अच्छा और शक्तिशाली सूर्य व्यक्ति को राजा बना सकता है, वहीं एक खराब सूर्य, कमजोर सूर्य व्यक्ति को भिखारी तक बना सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य से हम व्यक्तित्व देखते हैं, मान सम्मान, जीवन में कोई लक्ष्य, नेतृत्व क्षमता, पिता से संबंध, पिता की स्थिति, स्टेटस, आत्मविश्वास, सरकारी नौकरी आदि को देखते हैं। 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे और ये भी सूर्य की मित्र राशि है और साथ ही धनु का स्वामी गुरु है। अतः ये गोचर बहुत ही अच्छे बदलाव लेके आएगा 12 राशि वालों के जीवन में। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के जीवन में क्या बदलाव होगा जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि वाले लोगों का भाग्योदय होगा, पैतृक संपत्ति मिलने के योग बनेंगे, पिताजी की सहायता से बहुत से कार्य पूर्ण होंगे, साथ ही आप धर्म के कार्यों में भी खूब रुचि लेंगे, सबकी भलाई के कार्यों में भी संलग्न आप हो सकते हैं। अगर काफी समय से आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो वो भी हो सकता है। अगर आप किसी सरकारी काम में उलझे हुए हैं तो निकल पाएंगे। आपके उच्च अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे। लव लाइफ की बात करें तो अपने प्रेमी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ अहंकार के कारण टकराव हो सकता है, जिसके लिए आपको सावधान रहना होगा। वृषभ राशि वालों
कि जीवन की बात करें तो किसी स्वास्थ्य समस्या से अगर जूझ रहे हैं लंबे समय से तो बाहर आ पाएंगे। आपको आकस्मिक रूप से धन प्राप्त हो सकता है किसी ऐसी जगह से जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। अचानक से किसी यात्रा के योग भी बन सकते हैं। नौकरी में आप अपना बेहतर प्रदर्शन दिखा पाएंगे जिससे उन्नति के योग बनेंगे। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम विवाह के योग का निर्माण हो सकता है। आप जिसको चाहते हैं उन्हें आप इजहार भी कर पाएंगे। इसके साथ आप लंबे समय के हिसाब से कोई बड़ा निवेश भी कर सकते हैं। रुका धन प्राप्त होने के भी योग अच्छे बनते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोग अगर साझेदारी में कोई काम करते हैं तो उन्हें बहुत फायदा होने के योग बनेंगे। अगर आप किसी काम के लिए साथी की तलाश में हैं तो आपको वो भी मिल सकता है। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो आपको जीवन साथी के मिलने के योग भी प्रबल होंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो अगर आप किसी पेट की बीमारी से लंबे समय से ग्रस्त हैं तो अब आपको राहत मिलने लगेगी। दोस्तों जीवन साथी के साथ घूमने फिरने मनोरंजन के योग बनेंगे जिससे समय अच्छा व्यतीत होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के लोग अपने शत्रुओं को पराजित कर पाएंगे, अपने खुद के ऊपर ज्यादा नियंत्रण रख पाएंगे और एक अनुशासित जीवन जी पाएंगे। अगर आप कर्जे में हैं तो उसे चुकाने के योग बनेंगे। रुका धन प्राप्त होगा। व्यापार में हैं तो वो बढ़ेगा। अगर किसी केस में उलझे हुए हैं तो उससे बाहर आने के योग बनेंगे। अगर किसी रोग से लंबे समय से पीड़ित हैं तो उससे राहत मिलेगी। लव लाइफ की बात करें तो अगर प्रेमी से मन मुटाव हुआ है तो वो दूर होगा, गलत फहमियाँ दूर होंगी और आप उनके साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। सिंह राशि। सिंह राशि के लोग अपने ज्ञान का भरपूर उपयोग कर पाएंगे और साथ ही अपने भविष्य के लिए कुछ नया सीखने में भी समय व्यतीत कर पाएंगे। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़ा कार्य करते हैं तो आप नई नीतियां बना पाएंगे जिससे मुनाफा बढ़ेगा। लव लाइफ की बात करें तो आपको कोई साथी मिलेगा जिसके साथ आप समय अच्छा व्यतीत कर पाएंगे। जीवन जीने का आपको एक और सुंदर कारण मिलेगा। जीवन में रोमांस बढ़ेगा, आपके आय के स्रोत भी खुलेंगे, आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं फिर अपने चालू काम को ही बहुत बड़े स्तर पर पहुंचा सकते हैं। सिंह राशि के लोग अपने ज्ञान का भरपूर उपयोग कर पाएंगे और साथ ही अपने भविष्य के लिए कुछ नया भी कर पाएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वाले अचल संपत्ति बना पाएंगे, माता के आशीर्वाद से रुके कार्य पूरे होंगे, अपना व्यापार और नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अधिकतर समय काम को देंगे। अगर माता किसी रोग से ग्रस्त हैं तो उनको राहत मिलेगी। लव लाइफ की बात करें तो अपने प्रेमी के साथ आप बहुत ही रोमांटिक समय व्यतीत कर पाएंगे। किसी नई जगह से आपको धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के पराक्रम में वृद्धि होगी। अब आप पहले की अपेक्षा ज्यादा जोखिम उठा लेंगे अपने व्यापार और नौकरी में उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए। छोटे भाई बहनों के जीवन को बनाने के लिए आप उनका सहयोग कर पाएंगे। अगर कोई शत्रु आपको गुप्त रूप से परेशान कर रहा हो तो आपको उनसे छुटकारा मिलेगा। लव लाइफ की बात करें तो आपको एक नया साथी मिल सकता है जिसके साथ आप अपना व्यक्तिगत समय व्यतीत कर पाएंगे। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इजहार कर पाएंगे। अपने आत्मबल से आप किसी भी प्रकार की स्थितियों का सामना आसानी से कर पाएंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के धन संपत्ति में वृद्धि के योग बनते हैं। आप बचत कर पाएंगे। अपनी वाणी की शक्ति के द्वारा आप अपनी एक नई पहचान बना पाएंगे। परिवार के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे। लव लाइफ की बात करें तो आप अपनी चतुर वाणी का प्रयोग करके नए संबंध बनाने में कामयाब होंगे। आपकी जादुई बोली से आप अपने प्रेमी को मोहित कर लेंगे। अगर किसी बीमारी से आप लंबे समय से ग्रस्त हैं तो उससे भी छुटकारा आपको मिलता हुआ दिखेगा। व्यापार और नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं जिससे मन में और ज्यादा काम करने का उत्साह जागेगा। धनु राशि।
धनु राशि वाले लोगों में नेतृत्व क्षमता का उदय होगा। आप आगे रह के नई जिम्मेदारियों को उठा पाएंगे। आपके व्यक्तित्व में एक सम्मोहनकारी बदलाव आएगा जिससे आप लोगों का मन मोह लेंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी और आप अपने और अपने परिवार को लेके अच्छे निर्णय ले पाएंगे। अपने जीवन साथी के साथ अहंकार के कारण टकराव हो सकता है, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखें। लव लाइफ की बात करें तो आपके जीवन में आप अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण प्रेमी भी बना पाएंगे। उच्च अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे और आप अपने रुके कार्यों को भी पूरा कर पाएंगे। मकर राशि। मकर राशि के लोग लंबी यात्राओं में जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश कर सकते हैं ताकि लंबे समय तक अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। अगर आप लंबे समय से किसी समस्या से ग्रस्त हैं और जिसके कारण डिप्रेशन में हैं, तो अब आप उससे छुटकारा पा सकते हैं जिससे जीवन व्यवस्थित होगा। अगर कहीं धन रुका हुआ है तो वो प्राप्त होगा जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनके साथ भी आप घूमने जा सकते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के मनोकामनाओं की पूर्ति का समय आ गया है। अगर आप किसी इच्छा को लेकर लंबे समय से जी रहे हैं तो वो समय आ गया है कि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। व्यापार बढ़ने के योग बनते हैं, साथ ही नौकरी में भी पदोन्नति के योग बनते हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं अपनी आय को बढ़ाने के लिए, तो अब कर पाएंगे। आपके बड़े भाई के सहयोग से कोई बड़ा कार्य होने के योग भी बनते हैं। लव लाइफ की बात करें तो अपने प्रेमी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे और अगर आप किसी की तलाश में हैं तो वो भी आपको प्राप्त होगा जिससे मन में उमंग जागेगी। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो अब उससे भी राहत मिलेगी। मीन राशि। मीन राशि वालों के मान प्रतिष्ठा में वृद्धि के अच्छे योग बनेंगे। आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है, व्यापार में हैं तो उसमें भी एक नई ऊंचाई पर आप पहुंच पाएंगे। आपको पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है। अगर किसी केस में लंबे समय से उलझे हुए हैं तो अब आप उससे भी निकल पाएंगे। कामकाज के बढ़ने के कारण घर के बजाय अब आप बाहर ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। लव लाइफ की बात करें तो उसमें अपने प्रेमी का साथ आपको प्राप्त होगा, परंतु आप उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाएंगे। नए संपर्क बढ़ेंगे जिससे आपके जीवन में कुछ नयापन आएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से 12 राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। आप अपने जीवन में नए बदलाव के लिए तैयार हो जाएं और स्वागत कीजिए नई सफलताओं का, नए रिश्तों का। भगवान सूर्य की कृपा से सभी का जीवन सफल हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।